दोस्तों 14 जुलाई को चंद्रयान 3 एलबीएम 3 रॉकेट से लॉन्च किया जाता है, जबकि 2 सितंबर को आदित्य 11 पीएसएलवी रॉकेट से लॉन्च किया जाता है। दोस्तों अंतरिक्ष यान ले जाने के लिए अलग अलग रॉकेट का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, चलिए जानते हैं। अंतरिक्ष यान ले जाने के लिए भारत के पास 3 प्रकार के रॉकेट है। पहला है जीएसएलवी। स्पेस में जब भारी उपग्रह को ले जाना होता है तब जीएसएलवी रॉकेट से लॉन्च किया जाता है। इस रॉकेट से कम्युनिकेशन सैटेलाइट, टेलीविजन सैटेलाइट और अन्य सैटेलाइट भेजे जाते हैं। जीएसएलवी रॉकेट की खास बात यह है कि जैसे जैसे अर्थ घूमती है वैसे वैसे यह रॉकेट भी घूमती है। दूसरा है एलबीएम 3। एलबीएम 3 रॉकेट का पूरा नाम है लॉन्च व्हीकल मार्क 3। यह रॉकेट 3 चरण में काम करता है। इसके बॉडी के किनारे पर 2 S-200 बूस्टर लगे होते हैं। यह 2 विकास इंजनों के बाद क्रायोनेजिक इंजन द्वारा संचालित होता है। तीसरा है पीएसएलवी रॉकेट। पीएसएलवी रॉकेट का प्रयोग पेलोड के वजन और ऑर्बिट के हिसाब से किया जाता है। इसी रॉकेट से 2 सितंबर को आदित्य 11 मिशन सूर्य की स्टडी के लिए लॉन्च किया गया था।